भी नहीं चाहती किसी के पेरेंट्स पुलिस स्टेशन में जाए, ये वो पुलिस स्टेशन कोर्ट कचहरी मैं नहीं चाहती। और रितेश मैं तुम पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगी, एंड आई डोंट जाऊंगी ना मैं कहीं जाऊंगी, बिकॉज आई हैव गॉड, मैं तुम्हें गॉड के हाथ में दे दूँ। देखिए मुझे नहीं पता है बे, इतनी गंदी गंदी चीज़ें खाई है कल, रस मलाई, रबड़ी, चॉकलेट, डिप्रेशन में इतनी चीज़ें मैंने खाई है। मैं डाइटिंग पे हूँ, सलमान जी ने बोला था स्लिम हो जा, आई वी आर डूइंग वन सॉन्ग टुगेदर। मैं इतना ग्लूटन फ्री खा रही हूँ, इतनी स्लिम हो रही हूँ, लेकिन मैं दो दिन से मैंने वेट पुट ऑन कर लिया, लेकिन मैं आज आई हूँ जिम में जैसे तैसे, और मैं जिम में जिम करूँगी। राखी जी, बहुत सारी बातें हुई हाल ही में और आपने पोस्ट भी किया, उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा क्या कुछ हुआ आपके साथ? जितनी खुशी मुझे बिग बॉस में थी कि मैं अपने हस्बैंड को ले गई देश के सामने, मैं अपने, अगर मुझे पहले पता होता कि बिग बॉस के बाद ये मुझे बिल्कुल छोड़ देने वाले हैं, तो मैं बिग बॉस में कभी नहीं लेकर जाती और अपने ऊपर एक दाग लगा कर नहीं लेती। मैं आई एम वेरी सैड कि रितेश मुझे छोड़ के चले गए हैं, बिकॉज उनके बहुत सारे लीगल इशू हो गए हैं, उनकी वाइफ और किड्स हैं उनके, तो बिहार में वो इज़ फ्रॉम बिहार एंड उनके बहुत सारे लीगल इशू हो गए हैं कि कोर्ट में चली गई है उनकी वाइफ, और इससे कि तुमको मुझे बिग बॉस नहीं लेके जाना चाहिए था, अगर मैं बिग बॉस में नहीं गया होता तो शायद ये सब कुछ मेरे साथ नहीं होता। मैंने कहा देश की जनता जानना चाह रही थी कि अगर मैं शादीशुदा हूँ तो कौन है मेरा पति, तो इसीलिए मैं तुम्हें लेकर गई हूँ। तो बिग बॉस का हाउस तो ऐसा है कि वहाँ पर सब सच्चाई आती है, तो नो यू स्पॉइल्ड माई लाइफ, तुमने मेरी लाइफ ख़राब करी, बिग बॉस हाउस में लेके जाके मेरे अरबों खरबों का करोड़ों का नुकसान हुआ, मेरे लांछन लगा मेरे कैरेक्टर पर, और तुमने मुझे इमोशनली तुमने मेरा यूज़ किया कि तुमने ऐसा वहाँ पे कुछ किया कि मैं तुम्हें डांट रहा हूँ। मैंने कहा नहीं, वो तुम्हारा अस्तित्व है, तुम जो मुझे डांट रहे हो, तुम जो मुझे कमज़ोर महसूस करा रहे हो, वो तुम्हारा अस्तित्व है, वो यू आर लाइक दैट कि तुमने मुझे बिग बॉस में जितना भी डांटा, मैं स्ट्रांग वुमेन हूँ, मैं हमेशा हर वुमेन के लिए सबके लिए लड़ती हूँ, लेकिन आज मुझे बहुत शर्म आ रही है ये कहते हुए कि मैंने, मेरे पति ने मुझे इतना मैं मुझे ऐसे बिहेव कर रहे थे, तो मैं सहरी थी, मैं सहरी थी एक कमज़ोर के हिसाब से, मैं नहीं सहरी थी, मैं इसलिए सहरी थी कि पति पत्नी में लड़ाइयाँ झगड़ा हर जगह होता है, तो वो होता है, तो इसलिए मैं सहरी थी क्योंकि मुझे अपना घर बसाना था। वाइल्ड होने के लिए 2 मिनट लगता है कि पति को डांटना या उनसे बदला लेना 2 मिनट लगता है, लेकिन घर बसाने को बहुत वक्त लग जाता है, अच्छा इंसान बनने को बहुत वक्त लग जाता है। मुझे अच्छा इंसान गॉड ने बनाया है, एंड आई थैंक्स टू गॉड कि गॉड ने मुझे अच्छा इंसान बनाया है, इसीलिए मैं उनके साथ बहुत अच्छी तरह रहती थी। वो मुझे डांटते भी थे, वो मुझे चिल्लाते भी थे, वो गालियाँ भी देते, तो मैं सह लेती थी। लेकिन बिग बॉस से बाहर आई तो उनका व्यवहार मेरे प्रति बहुत गंदा था, बहुत बुरा था, और आप जो कह रहे हो ना कि उन्होंने मुझे वो भी डांटा कि तुमने मीडिया के सामने मुझे किस क्यों किया, मैंने बोला अरे तुम मेरे हस्बैंड हो तो मैं नहीं करूं। बोलते हैं हस्बैंड अभी हमारी शादी लीगल नहीं है, ही सेड कि हमारी शादी अभी लीगल नहीं है, अभी मुझे डाइवोर्स लेना है। कभी कहते अभी मेरा डाइवोर्स नहीं हुआ है, कभी कहते आई एम गोइंग टू डबल टॉक ही टॉकिंग के, कभी कहते मेरा डाइवोर्स अभी तक हुआ नहीं है, तुम्हारी मेरी शादी लीगल नहीं है, तुमने मुझे फोर्स किया शादी के लिए, मैं तो तुम्हारे पास नहीं आ रहा था, 3 बार मैंने शादी रिजेक्ट करी, और ये बात सच है कि वो 3 बार शादी करने मेरे पास नहीं आए थे, वो 4th बार आए थे, तो ये कि यू फोर्स मी फॉर अ मैरिज एंड आई डोंट वांट टू बी विथ यू, आई डोंट वांट यू इन माय लाइफ। मुझे कुछ समझ में नहीं आया एंड ही ब्रोक माय हार्ट एंड ही ब्रोक माय मैरिज एंड वो चले गए। जिस तरह कहाँ चले गए मुझे नहीं पता है। जिस तरह से हमने फिनाले में देखा उन्होंने परफॉर्म किया, पूरी बिग बॉस जर्नी में बात करें वो आपके साथ रहे,
आपका कब कब आपको लगा कि उनके रिएक्शन में ही ऑलवेज से कि ही यूज्ड मी आई फील ही यूज्ड मी आपको नहीं लगता अब देश की जनता डिसाइड करे कि किसने किसको यूज किया मैंने कोई उसे यूज़ नहीं किया अगर वो यूज़ किया था तो अभी मुंबई में उसने मुझे फ्लैट लेके दिया होता मेरे नाम पे होता उसने मुझे ऐसी कोई सिक्योरिटी नहीं दी एक आप इयररिंग्स और आप एक गले का नेकलेस देते थे हैं शादी में तो वो कोई प्रॉपर्टी नहीं हो जाती है और ही डिड गिव मी एनीथिंग आज भी मैं अपने घर में रहती हूँ आज भी मैं मेरे घर का ड्राइवर से लेके मेरे मेड का सब कुछ मैं करती हूँ ही डिड गिव मी एनीथिंग व्हाट डू आई से क्या आप हेल्प मांगने के लिए सलमान भाई के पास जाओगे नहीं सलमान भाई का इनमें कोई लेना देना नहीं है सलमान भाई ने तो मुझे बस वॉर्न किया था कि तेरी ज़िंदगी है तुझे डिसाइड करना है कि तुझे क्या चाहिए मैं तू दब के ऐसे फरा मैम ने भी बोला था मैं दब के ऐसे कब तक रहूँगी और कब तक चुप रहूँगी कब तक दब के रहूँगी मेरी लाइफ तो स्पॉइल हो गई मेरी ज़िंदगी तो ख़राब हो गई लेकिन मैं सब लड़कियों को हौसला देती हूँ कि मैं मेरे जैसा मत करना ज़िंदगी में शादी करो तो घर बार अड़ोस पड़ोस को जांचना मेरी एक ही बात की गलती थी कि मैंने सिर्फ बैंक बैलेंस देखा और शादी करी ये मेरी गलती थी मैं रितेश को कुछ नहीं कहना चाहूँगी आई डोंट वांट टू ब्लेम हिम मैं ना कोई कोर्ट में जाना चाहूँगी ना मैं कोई केस करना चाहूँगी ना मैं कुछ करना चाहूँगी मेरे लिए तो ही इज़ अ वेरी नाइस गाय बस उसके कुछ प्रॉब्लम्स है फर्स्ट वाइफ को लेकर लीगल प्रॉब्लम है उसके कि उसकी वाइफ ने केस कर दिया है बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट किया है उसके लिए उनके मम्मी डैडी को बहुत सहना पड़ रहा है सो ही दैट्स व्हाई ही लेफ्ट मी बट कल जब वैलेंटाइंस डे आई हेट वैलेंटाइंस डे मैंने देखा कि कल सब कपल डिनर पे जा रहे थे सब कपल एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे थे मेरे लिए तो हार्ट ब्रोकन डे था और मेरे लिए तो सैड डे था डिप्रेशन डे था मेरे लिए तो सुसाइड डे था मेरे लिए तो मैं क्या बोलूँ आई एम वेरी सैड अबाउट इट ओ माय गॉड राखी सावंत के साथ ऐसा हो सकता है तो एक नॉर्मल लड़की के साथ क्या होता होगा आई रियली डोंट नो मैं मीडिया को बहुत सॉरी कहना चाहूँगी अगर मैंने आपको हर्ट किया है तो मैंने किसी को भी हर्ट किया है तो आई एम सॉरी लास्टली मैं ये जानना चाहूँगा क्या आप कोई लीगल एक्शन या फिर कुछ नहीं मैं कोई लीगल एक्शन नहीं करूँगी क्योंकि मैंने एक शादी मुंबई में की है एक शादी बैंगलोर में की है और एक शादी हैदराबाद में की है तीन जगह जैसे कि मैंने मुंबई में वो किया है शादी क्या बोलते हैं उसको मैं जीसस क्राइस्ट की बिलीवर हूँ तो JW में करी है और फिर मैंने कोर्ट मैरिज की है तो बट मेरी कोर्ट मैरिज तो लीगल ही नहीं है सॉरी मेरी हैदराबाद बैंगलोर में शायद हुई है तो वहाँ पे मेरी शादी तो लीगल ही नहीं है ना और मैं रितेश को कोई कोर्ट कचहरी में नहीं घसीटना चाहती क्योंकि मैंने सच्चा प्यार किया था और प्यार जब आपका टूट जाता है तो आप बदला नहीं लेते और ना मैं कोई रिवेंज में बिलीव करती हूँ रिवेंज लेने वाला ऊपर वाला है मैं कोई नहीं हूँ मैं रितेश को यही कहूँगा कि थैंक यू सो मच कि आपने मेरा दिल तोड़ा थैंक यू सो मच कि आपने मुझसे शादी भी करी सारे वादे करे यू टोल्ड मी के यू विल बाय अ फ्लैट इन मुंबई आप लोगे आप मुझे सिक्योरिटी दोगे आप मुझे सिक्योर करोगे और आप यू लेफ्ट मी आई डोंट नो बट आई लव हिज पेरेंट्स आई लव हिज सिस्टर मदर फादर दे ऑल आर विथ मी वो सब मुझसे प्यार करते हैं और मैं झूठ नहीं बोलूँगी ही रितेश इज़ ऑल्सो वेरी गुड गाय बट अभी ही इज़ इन अ ट्रबल बिकॉज वो बिग बॉस में गया तो ही इज़ इन अ ट्रबल ही इज़ इन अ वेरी बिग ट्रबल कोर्ट कचहरी का और कोर्ट कचहरी मालूम है कैसी होती है और मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण रितेश जेल में जाए मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि रितेश मेरे कारण जेल में जाए इसीलिए उसकी डाइवोर्स बोलो या उसने मुझे छोड़ दिया बोलो मेरी शादी मुझे दुनिया ने कहा ना कि मेरी शादी इनलीगल है लीगल ही नहीं है तो मुझे इतना दुख नहीं हुआ जो मुझे रितेश ने कहा कि मेरी तो शादी नहीं हुई है मैं तो लीगल ही नहीं हूँ मेरी तो शादी नहीं हुई है उसके साथ मुझे ज़्यादा दुख लगा थैंक यू सर थैंक यू